जो तिरंगा का सिलेक्शन हुआ था उसमें ये क्या स्टैंड था इनका? ये तो भगवा चाहते थे देश का झंडा हो, इनका क्या क्या भूमिका है इनका देशभक्ति में? कोई आरएसएस के लोग, किसी ने किसी की कोई भूमिका रही है? और आज बोल रहे हैं कि सबसे बड़े राष्ट्रभक्त यही हैं, इन्होंने ले लिया पेटेंट। और जिसको जो दूसरे जो विपक्ष के लोग है उसे समझते हैं कि हम लोग सब राष्ट्र विरोधी हैं क्योंकि हम लोग भारतीय जनता पार्टी में नहीं है। तो ये कोई बात हुआ? ट्रेंड तो यही है ना कि जो उनके साथ गया वो सबसे बड़ा राष्ट्रभक्त, सबसे बड़ा ईमानदार, और जो उनके विरोध में है सबसे बड़ा बेईमान। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। बिहार विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है, वैसे में हंगामा भी हो रहा है। विपक्ष कह रहा है कि सत्ता पक्ष के पास कोई जवाब नहीं है, चाहे वो गलवान घाटी में जो शहीद हुए थे उनके परिजनों के दुख दर्द की बात हो, या फिर जो मंत्री सुरेंद्र यादव ने सैनिकों को लेकर जो आपत्तिजनक शब्द कहे थे उसे लेकर भी विवाद बढ़ता जा रहा है। इस वक्त हमारे साथ बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी हैं। जिस तरह से आपके मंत्री ने कहा, सैनिकों को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी, गलत परसेप्शन क्रिएट किया जा रहा है। माननीय सुरेंद्र यादव जी ने कोई सेना पर आपत्ति नहीं जताई थी, उन्होंने अग्निवीरों के ऊपर कहा था, लेकिन फिर भी वो भाषा ठीक नहीं थी। हम भी मानते हैं वो भाषा ठीक नहीं थी, लेकिन उन्होंने अग्निवीर पर कहा था कि जिस तरह से ट्रेडिशनल सेना में भर्ती का जो प्रोसेस था और आपने इतने लोगों को दोहराया और इतने लोगों को आपने वेट लिस्ट में बना के रखे हुए हैं, उसके बावजूद आपने एक नया स्कीम लाया है 4 साल के लिए, तो 4 साल में कितने कमिटेड लोग सेना में आएंगे, ये सब प्रश्न है। पॉलिसीज पे बोला था उन्होंने कोई, लेकिन ये लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग तो लगता है कि पूरे देशभक्ति का पेटेंट इन्हीं के पास है और ये पेटेंट ले लिए हैं। राष्ट्रभक्ति की बात तो ही करते हैं ना, क्यों राष्ट्र, क्या रोल है, क्या भूमिका है इनकी आज़ादी के लड़ाई में, इनकी क्या भूमिका है? जो लोग आज बोल रहे हैं तिरंगा का सिलेक्शन में इनका क्या स्टैंड था, जो तिरंगा का सिलेक्शन हुआ था उसमें ये क्या स्टैंड था इनका? ये तो भगवा चाहते थे देश का झंडा हो, इनका क्या क्या भूमिका है इनका देशभक्ति में, आजादी की लड़ाई में? कभी आप कोई इतिहास पढ़े हैं कि आजादी की लड़ाई में कोई आरएसएस के लोग, किसी ने किसी की कोई भूमिका रही है? और आज बोल रहे हैं कि सबसे बड़े राष्ट्रभक्त यही हैं, इन्होंने ले लिया पेटेंट, और बोलते रहते हैं राष्ट्रभक्त की बात। और जिसको जो दूसरे जो विपक्ष के लोग है उसे समझते हैं कि हम लोग सब राष्ट्र विरोधी हैं क्योंकि हम लोग भारतीय जनता पार्टी में नहीं है। तो ये कोई बात हुआ? आप मानते हैं कि अशोक चौधरी अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ चले जाए, अगर हम कल्पना करें तो सबसे बड़े राष्ट्रभक्त हो जाएंगे? तो ट्रेंड तो यही है ना कि जो उनके साथ गया वो सबसे बड़ा राष्ट्रभक्त, सबसे बड़ा ईमानदार, और जो उनके विरोध में है सबसे बड़ा बेईमान और सबसे बड़ा राष्ट्र विरोधी। कहे कि भाई हम मुस्लिम की बात करते हैं, हम सिख की बात करते हैं, हम ईसाई की बात करते हैं, इनको तो धर्म बांट के राजनीति करना है। एक आखिरी सवाल है सर, अभी जो हाल ही में रैली हुई थी उसमें नीतीश कुमार ने फिर एक बार जोर दिया कि तमाम जितनी विपक्षी पार्टियां अगर एक हो जाए तो 100 सीट से नीचे पर सिमटा देंगे, आपको लगता है ऐसा माहौल देखकर ऐसा लग रहा है कि देखिए ऐसा है कि इस देश में गंगा जमुनी संस्कृति के लोगों की संख्या ज्यादा है जो चाहते हैं कोहिसिवनेस के साथ, समरसता के साथ हम देश को आगे लेके जाएं, उनकी संख्या ज्यादा है। तो निश्चित रूप से जब विपक्षी एकता नहीं होती है तो वोटों का बंटवारा होता है जिसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलता है। इसीलिए बार बार नीतीश जी कह रहे हैं कि अगर विपक्षी एकता होगी तो हम भारतीय जनता पार्टी को रोकने में कामयाब होंगे। 100 सीट की जगह समेट देंगे उनको? अब माननीय नेता बोल रहे हैं तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उनके पास कोई ना कोई फीडबैक होगा, तभी तो बोल रहे हैं। ये गलत है कि किसी भी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, शालीनता मर्यादित होना जरूरी है, और अगर शालीनता के साथ भाषा मर्यादित हो और व्यवहार शालीन हो तो लोकतंत्र की खूबसूरती बढ़ती है। वो कह रहे हैं कि आप उनकी बात ही नहीं सुनते हैं, नहीं सुन रहे हैं। बात नहीं सुनते हैं तो देयर इज अ वे टू डू इट ना, आप वेल में बैठ जाइए, आप वेल में अपना बात को रखिए, कहिए, लेकिन सब चीज मर्यादित होना चाहिए क्योंकि आने वाला समय बदल रहा है। पूरी नौजवान पीढ़ी जो है वो मीडिया, सोशल मीडिया पे है, तो वो क्या इंप्रेशन जाएगा लोगों के बारे में? कभी कोई क्यों, अब ऐसा भी नहीं कि कोई किया है तो हम भी करेंगे, ये भी गलत है। आपको तो नया, एक हम लोग 21वीं सदी में जा रहे हैं, एक नया परसेप्शन के साथ विद न्यू प्रोस्पेक्ट्स इन द डेवलपमेंट, आप सबको एक साथ होना चाहिए। आपको विरोध है, आपको अपनी बात कहनी है, वो अपनी बात को शालीनता और मर्यादा में कहिए। आप मानते हैं किसी को चोट लग सकती है, कोई हादसा हो सकता है? कोई बैठे हुए हैं टेबल पर जो लोग लिखते हैं, जो विधानसभा के हैं, उनके साथ उनको उन लोगों को परेशानी होती है, उन लोगों को चोट लग सकती है, तो उन सब चीज़ों का भी ख्याल रखना चाहिए। मर्यादा में सब करना है, मर्यादा में करना है, मर्यादित भाषा में करना है, मर्यादित भाषा में करना। अशोक चौधरी ने भी शिक्षा दी है, देखिए पहले शिक्षा मंत्री भी रह चुके हैं और अब जो ये शिक्षा दे रहे हैं, क्या बीजेपी के लोग इसे अपनाएंगे? हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।